नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर पार्टी ने कमान सौंपी है। गुजरात के सौराष्ट्र की, जहां के करीब 26 विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी बागडोर वो संभालेंगे। गुजरात चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के माहौल पर उनका साफ कहना है कि पार्टी की पकड़ गुजरात में बेहद मजबूत है और पार्टी फिर वहां सरकार बनाएगी। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर इंडिया फर्स्ट न्यूज से बातचीत की डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्र को गुजरात की भी बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश में तो हिंदी भाषा थी सर, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती, क्या भाषाई दिक्कतें भी सामने आती जब आप एक प्रभार संभालते हैं? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह लगभग हिंदी का प्रयोग होता है और हम अगर निवेदन करें तो वो हिंदी को समझते भी हैं और बोलते भी। जब उत्तर प्रदेश में थे, महाराष्ट्र में आपका लगातार अपने दौरा देखा है, आप संगठन को मजबूत करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या उसके लिए कोई खास रणनीति के तहत आप काम करते हैं? नहीं नहीं, संगठन में कार्य गुजरात के अंदर बहुत अच्छा संगठन है, चार बार सरकार बन चुकी है वहाँ पे और नीचे तक का काम ग्रॉस रूट पर बहुत मजबूत काम है। ये तो ठीक है, संगठन की कृपा है कि वहाँ भेज दिया, वैसे वहाँ किसी की आवश्यकता है नहीं, बहुत अच्छा काम है पार्टी का। पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से काफ़ी चुनौती है, पाटीदार आंदोलन अलग से चल रहा है, ओबीसी का आंदोलन अलग से चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है, उसको लेकर कुछ खास आप तैयारी? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है वहाँ, ये सब वो लोग कह रहे हैं जो वहाँ गए नहीं, कोई चुनौती नहीं है, चुनौती आप लोगों को नजर आ रही होगी। नीचे बहुत मजबूत पार्टी का ताना बाना है, सामने किसी के पास ताना बाना ही नहीं है। गुजरात के स्वाभिमान और गुजरात के सम्मान का जब प्रश्न आएगा तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह, इन दोनों की इतनी मजबूत पकड़ है और इन दोनों के प्रति इतना लगाव और आस्था है जनता की कि पत्ते की तरह उड़ते दिखाई देंगे आपको बाकी सब। मैंने तब भी कहा था जब यूपी चुनाव था, तब आप लोगों ने यकीन नहीं किया था, मैं अब भी कह रहा हूँ। एक आखिरी सवाल और लेंगे, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, लगातार आप संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते जा रहे हैं, यहाँ लोगों की बड़ी सुगबुहाट होती है कि भाई इसका किस तरह से पॉलिटिकली जो है इसको नज़रिए से देखा जाए। आपसे पूछ लिया जाता है कि संगठन में इस कदर आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे देखा जाए? हमारी भूमिका एक गिलहरी से ज़्यादा की नहीं है, बाकी सब बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटा सा आधना सा कार्यकर्ता हूँ और उसी भूमिका में आगे बढ़ रहा हूँ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, तो कहीं ना कहीं विनम्रता के साथ साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्र यहाँ पर संगठन को भी मजबूत करने के और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कानपुर जैसे खंड की जीत दिलाने के बाद महाराष्ट्र में एक अहम जिम्मेदारी और उसी के साथ साथ गुजरात जैसे राज्य की बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्र को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में भी देखा जाए तो इसे बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा सकता है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात के गढ़ पर भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्र अपनी एक छाप छोड़ पाएंगे। कैमरामैन कुलदीप सराटकर के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।